सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कुछ देर में शुरू किया जाएगा। सभी का स्वागत है। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। मैं आपको सिर्फ कार्यक्रम तो निर्धारित समय 10:50 पे प्रारंभ होगा, उससे पहले मैं आपको एक अनऑफिशियली स्वागत करता हूं। ऑफिशियली तो स्वागत आपका सभी लोगों का किया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि एक विचार रखा गया था डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में, कि हम उस बात पर चर्चा करें जिस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इंगित करते रहते हैं कि हम नए भारत की बात होती है, तो जो नई शिक्षा नीति भी हमारे बीच है, तो किस प्रकार से जो देश की शिक्षा व्यवस्था है इस पर एक चिंतनशील चर्चा हो, एक रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स हो। सो taking this on account, we have planned to organize a reflective discourse on transforming the education system and reshaping it for the 21st century Bharat, जो 21वीं सदी का भारत है, जो नया भारत है, उस एक emerging भारत में हम कैसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं, इस विषय पर हम लोग बात करें, इस विषय पर
अपने जो बहुत प्रखर विद्वान हैं, जो एक जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल्स हैं इस कंट्री के जाने माने, उनकी राय जाने, उनकी ओपिनियंस को हम लें। इस संदर्भ में हम लोग इस व्याख्यान माला को रखे हैं, एक सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, इसको हम लोग आप सभी यहाँ उससे जुड़े हैं। आगे आने वाले समय में भी आपको समय समय पर जो अगले कार्यक्रम है उनकी सूचना दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है इस संदर्भ में, आपको ईमेल द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। तो आप कल का भी कार्यक्रम आपको सूचित कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग व्याख्यान माला में सब लोग जुड़ेंगे और उम्मीद है कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें, बातचीत करें, कि एक सोच अपनी बनाएं, अपनी समझ बना पाए कि कैसे शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं हम, जिससे बदलाव की अपेक्षा करते हैं और जो आने वाले भविष्य के हमारे देश के नागरिक हैं उनका कैसे व्यापक विकास हो सकता है। तो इस विषय पर ही आज हमारे बीच जो एक ओजस्वी वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, प्रोफेसर जे एस राजपूत साहब, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं भारत सरकार द्वारा और उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए अपने समय में एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक रहे हैं, उनके बारे में अभी हम सबको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस उनको सुनना हम लोगों के लिए एक अवसर के रूप में है कि हम जान पाए कि क्या किस प्रकार से वो देखते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत लंबा अनुभव है और उनके विचार क्या हैं कि हम किस प्रकार से नए भारत के रूप में किस किस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं अपने आसपास। तो आप सब लोगों का स्वागत है और मैं थोड़ा एक और भी इस तकनीकी रूप से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले कार्यक्रम में भी कई लोग अपने ओर से प्रेजेंटेशन का बटन दबा रहे थे। सभी से आग्रह है कि कोई प्रेजेंटेशन बटन ना दबाएं, अनम्यूट ना करें अपने आप को, क्योंकि जब आप अनम्यूट करते हैं कुछ बोलते हैं तो जो वक्ता बोल रहे होते हैं उनको बाधा पहुंचती है, वो असुविधा असहज महसूस कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंट बटन नहीं दबाएंगे कोई भी और कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे कि देखें कि वो म्यूट मोड में ही है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं पुनः कहूंगा कि कोई भी प्रेजेंट बटन ना दबाएं अपनी ओर से, म्यूट रखें अपने डिवाइस को और अपेक्षा की जाती है कि आप सब लोग उनको ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इस तरह के वक्त जो ओजस्वी वक्ता हैं और इतने बड़े प्रतिभावान एक विद्वान हैं, उनको सुनना ही अपने आप में एक नया अनोखा अवसर होगा हम लोग। तो कुछ ही समय में फॉर्मल वे में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं पुनः आपको स्वागत करता हूं, जो लोग कुछ नए जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। एक महत्वाकांक्षी वेबिनार की एक श्रृंखला बनाई गई है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में और इस बड़ा ही एक विचारणीय विषय और एक चिंतन का विषय रखा गया है जिसपे हम सब लोगों को सोचने और रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए इस रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड रीशेपिंग द 21st सेंचुरी भारत के इस कार्यक्रम व्याख्यान माला जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द
the education system and reshaping the 21st century Bharat. And in context of visualizing the new education system with reference to the new education policy and so many changes we have observed in the last few years. So we are foreseeing the new Bharat, and the new Bharat should have the new education system. And on discussing this issue and taking the viewpoint of eminent speakers, today now we have our eminent speaker with us, Padmasri Professor J.S. Rajput, sir. J.S. Rajput, sir. Professor J.S. Rajput, sir, is the former director of NCERT and very renowned personality who has leading so many changes in the NCERT and reforms in the NCERT. And today we are very fortunate that we have us. Pankaji, a request hai ki सर ट्राई कर रहे हैं जुड़ने के लिए, और एडमिन को कह दीजिए कि सर को लेट इन करें क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, सर का फोन आया था अभी कि वो ट्राई कर रहे हैं और सर को इन किया जाए। सर जुड़ चुके हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः सभी का अनौपचारिक रूप से स्वागत करता हूं। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की अभी शुरुआत होगी और सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय जो हम लोगों ने चुना है, एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन देहरादून के संयुक्त प्रयास से हमने सोचा है, वी हैव प्लान टू ऑर्गेनाइज अ रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड रीशेपिंग द 21st सेंचुरी भारत। एक नई भारत की बात जो प्रधानमंत्री हमेशा करते भी हैं, और एक हम सब लोगों को एक दिशा दे रहे हैं कि हम सोच पाए एक नई शिक्षा व्यवस्था जो बहुत प्रभावी हो, कारगर हो, और उस दिशा में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारे बीच है और कई ऐसे बदलाव भी हम लोगों ने अभी देखे हैं। उनको मानते हुए और उससे आगे बढ़ते हुए यह अवसर है, और इस अवसर को हम लोग एक अच्छे तरह से जोड़ने के प्रयास के रूप में देखते हैं। तो हम लोग को एक अवसर मिलता है कि हम इस नए भारत के कॉन्सेप्ट को, एक नई शिक्षा व्यवस्था को, क्यों ना हम एक जो हमारे बीच बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनसे सुने, और यह इस अवसर को आज हमें हमेशा एक साक्षात रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर, जिनको आज हम मुख्य रूप से सुनेंगे। और इस व्याख्यान माला के आयोजन के लिए दोनों संस्थानों ने प्रयास किया है, और आज करी का एक कार्यक्रम, पहला दूसरा कार्यक्रम आज यह चल रहा है। हम बहुत अभिभूत हैं कि आज हमारे बीच पद्मश्री जे.एस. राजपूत, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर हमारे बीच मौजूद। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर को, जो इस कार्यक्रम के पैटर्न भी हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि सर जो जितने प्रतिभागी हैं उनका स्वागत करें और सर के स्वागत में दो शब्द करें। स्वागत उद्बोधन के मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सबको नमन करता हूँ, नमस्कार। हमारे साथ आज बहुत ही हमारा सौभाग्य का दिन है, हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी जुड़े हुए हैं,
बहुत लंबी उनकी अनुभव और अनुभूति है इस विभाग में, और दिव्यांगजनों के साथ शिक्षा के साथ उनको हम औपचारिक रूप से जिस तरीके से जिस फोरम पे आज उनको जोड़ पाए हैं उसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब शकुंतला मिश्र रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हीं के अगुवाई पे ये शायद संभव हो पाया है कि आज हमारे साथ राजपूत जी जुड़े हुए हैं। रजनी रंजन सिंह प्रोफेसर साहब को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके टीम में ब्रिजेश राय जी है, हमारे तरफ से डॉक्टर सुनील जी और डॉक्टर पंकज जी किए हैं, आज पहल लिए हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम एंड रिशेपिंग द 21st सेंचुरी, पूरे देश भर में इसके ऊपर आज की डेट में चर्चा हो रहे हैं और चर्चा के विषय ये हो रही है कि इसमें जिस प्रकार के इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत ही सराहनीय फीडबैक देश के अलग अलग संस्थाओं से अलग अलग जगह से हमारे पास आ रही है। तो अनुभव यही रहा, पहला हमारा जो डिस्कोर्स रहा है उसको जगह जगह से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में और टीचर्स हैं, टीचर ट्रेनर्स हैं स्पेशली, वो सभी लोग हमारा फर्स्ट डिस्कोर्स की जो मटेरियल है वो हर वक्त हमसे अलग से मांग रहे हैं, जो प्रेजेंट हो पा रहे हैं वो भी, और जो किसी कारण से फर्स्ट डे को जुड़ नहीं पाए थे वो रोज हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि उनके लेक्चर्स को हम लोग जो है उनको दिलाएं। कोशिश यही रहेगी बहुत ही जल्द हम ये सारे डिस्कोर्सों को फुल्ली एक्सेसिबल फॉर्मेट में, साइन लैंग्वेज हो, रिटन फॉर्मेट में हो, लार्ज स्क्रीन फ्रंट पर हो, हर एक फॉर्मेट में हम लोग हमारी यूट्यूब चैनल में और निम्फेड की वेबसाइट में डालेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल फॉर्मेट में हम लोग देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मूलत रूप से डिसेबिलिटी सेक्टर से कहीं ना कहीं जोर पे जुड़ा हुआ है उन सबको हम इसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज्ड है और अन्य प्रकार से स्पेशल नीड है वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और हम भारतीय पुनर्वास परिषद से भी बातचीत कर रहे हैं कि ये पूरा डिस्कोर्स जो भी हमारा होगा इस डिस्कोर्स को एक अलग प्रकार के रूप देके हम इसका एक ऑडियो सीडी भी किताब के रूप में भी ये पूरे डिस्कोर्स आने वाली है। और मुझे यकीन है ये किताब जो होगी ये वाकई में ही 21st सेंचुरी का इंडिया का एजुकेशन और स्पेशली विशेष शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन को शिफ्ट करने में बहुत ही कारगर किताब होने वाली है, क्योंकि मुझे जो थोड़ा सा आभास हुआ है इतने दिग्गज लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इतने दिग्गज इमिनेंट स्पीकर्स वो लोग जो भी राय इसके अंदर रखने वाले हैं और राय से मुझे यकीन है कि पूरे देश अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी प्रोग्राम्स बनाने में, अपनी स्कीम्स बनाने में, स्टेट लेवल की पॉलिसी बनाने में, स्टेट लेवल की ट्रेनिंग करने में, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, निपा की तरफ से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी बातचीत चल रही है, तो आगे उम्मीद है ये ट्रेनिंग जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डाइट ट्रेनिंग कॉलेजेस तक ये हमारे डिस्कोर्स की मटेरियल जाने वाली है। तो मैं पुनः जेएस राजपूत जी का आमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। आगे हम यही चाहेंगे कि आपकी आशीर्वाद बने रहे, क्योंकि आपकी इतनी विशाल अनुभव और अनुभूति जो भी है इसका जो है फल अभी देश के बहुत सारे लोगों को मिलना है और आपके जरिए हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश भर में आपका इस मैसेज को और आने वाले दिनों में अन्य और बहुत सारे हमारे पास टॉपिक है वो तो सारे विषय के ऊपर आपकी चर्चा हम देश भर में ले जाना चाहेंगे। पुनः मैं वाइस चांसलर साहब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपके मार्गदर्शन और निर्देशन के कारण ही इन तरह की इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन और संयोजन सफल हो पाता है। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं सर, और आप समय समय पर आप निर्देशन और
अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। अब इस कड़ी के अगले चरण में हम करते हैं और हम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह को। सर डीन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के, और काफी इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे मुख्य जो भूमिका रही है सर की रही है। मैं सबको आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आए और इस कार्यक्रम की जो थीम है उसकी प्रस्तुत करें और सर का भी जेएस राजपूत सर का परिचय भी साथ में दें। प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले आज के माननीय मुख्य वक्ता श्री प्रोफेसर जेएस राजपूत सर, जो हम सभी के गुरु जी के भी गुरुवर रहे हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी के बीच हैं। साथ ही साथ जो NIEPD के जो निदेशक महोदय, हमारे अच्छे मित्र डॉक्टर हिमांशु दास जी, और हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह सर, आप दोनों के ही प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज इस सफलता की ओर है। और साथ ही साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें आज देखा है तो पूरे देश में एक शिक्षा को बेहतर बनाने की लहर है, उसमें सभी लोग जितनी ऊर्जा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, ये वाकई हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इस सीरीज जो रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्सेज जो स्टार्ट करने की जो बात की गई, इसके पीछे एक मुख्य मंशा यही थी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी एकेडमिशियंस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, इस नेशनल को लेकर के चिंतन करें, मनन करें। जब तक चिंतन और मनन हम भी नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय स्वरूप नहीं हो पाएगा इस नीति के, क्योंकि एक राष्ट्रीय नीति की राष्ट्रीयता है वो तभी होगी, हम सभी राष्ट्र के जितने भी लोग हैं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे चिंतन में, मनन में और इनके क्रियान्वयन में। तो मुझे लग रहा है कि एक नेशनल लेवल पे एक एम्बियंस बनाने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए करके एक ठाना है कि हमारे जितने भी टॉप लेवल के एमिनेंट स्पीकर हैं, चाहे वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हों, चाहे जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उनके निदेशक हों, उन सभी को इस निवेदन करें कि एक देश में खास करके किस तरीके से एक एकेडमिक एम्बियंस बने जिसके माध्यम से हम अपने देश को एक बेहतर बने, हम अपने देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाए। तो एक ज्ञानवान समाज बनाने के लिए एक शिक्षा को बेहतर बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज ये इस सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है और हमारे बीच पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत सर हैं, जिनका एक विशद अनुभव रहा है जितने भी टॉप लेवल के, चाहे वो टीचर एजुकेशन का, जो हम जानते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सर उनके निदेशक रहे हैं, और जो NCERT हम जानते हैं कि जो स्कूल कार्यक्रम, जो विद्यालय पाठ्यक्रम और विद्यालय का शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें सर का विशद अनुभव है एज ए निदेशक के रूप में। तो आज का जो दिन है वो वाकई हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी ऐसे वक्ता को सुनेंगे जिनका एक विशद अनुभव रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, और खास करके ये जो दो एक नेशनल कैरेक्टर की जो का जो ये विश्वविद्यालय है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, जिसका अपना एक विजन है, वो विजन ये है कि हम समावेशी समाज की ओर कैसे बढ़ें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ जो विजुअल डिसेबिलिटी जो है, उसमें खास करके उन दोनों का जो एक मिशन और विजन जो इंक्लूशन की तरफ है, डेफिनेटली आज का जो एक ये व्याख्यान की जो श्रृंखला में जो एक जो महत्वपूर्ण व्याख्यान है वो हम सभी के लिए एक दिशाबोधक के रूप में, दिशा निर्देशक के रूप में, और एक एक वाकई एक बहुत ही
एक अच्छा अवसर के रूप में हम लोग इसको पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक रिक्वेस्ट पे आपने स्वीकार किया। मैं जानता हूं कि आप कितने व्यस्त रहते हैं आजकल, और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया है, और हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेकर के हम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं आपके वक्तव्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर जेएस राजपूत सर सर आए, और मैं समझता हूं कि सर ने परिचय दिया ही है और हम लोगों ने उस चीज को रखा भी है। सर धन्यवाद, मेरी आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। सर सर सर, सर। आदरणीय कुलपति महोदय, प्रोफेसर हिमांशु दास, प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह, सभी अध्यापक प्राध्यापक साथियों और विद्यार्थी, आपके बीच में आकर मुझे प्रसन्नता है। मैं अपना समय इस प्रकार के कार्य के लिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे अनेक जगहों पर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं एक बड़े कॉलेज का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का 11 साल प्राचार्य रहा, और 5 वर्ष मैंने भारत सरकार के MHRD में संयुक्त सचिव के रूप में भी बिताए। आपका विश्वविद्यालय एक बहुत बड़े उद्देश्य से स्थापित किया गया है, विशेषज्ञता के लिए किया गया, लेकिन विशेषज्ञता का महत्व तभी होता है जब वो संपूर्णता के आधार पर टिकी हो या उसी से प्रस्फुटित हो रही हो। यानी आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छा कार्य तभी करेंगे जब आप संपूर्ण स्थिति से परिचित हो, पूरी शिक्षा नीति से परिचित हो, और उसके आधार पर देखें कि आपका जो विशेष क्षेत्र है उसमें कितने कार्य किए जा सकते हैं, विभिन्न अंग जो है शिक्षा के, शिक्षा देने के, शिक्षा के लिए नीति निर्धारण करने के लिए, उन सबका उपयोग कैसे हो सकता है। आप सब लोग इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं और चीजें तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको एक अनुभव सुनाना चाहता हूं, और एक नाम लूंगा मैं। जब मैं भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का प्रिंसिपल था तो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था वर्किंग विद कम्युनिटी, और उसमें करीब 20 लड़कियों को, भोपाल में एक संस्थान है जिससे आप लोग परिचित होंगे, उसका नाम है आशा निकेतन, जहां दिव्यांग बच्चे रहते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि 20-22 लड़कियों का जो बैच है ये हर सप्ताह एक पूरा दिन वहां व्यतीत करेगा। ये संभवतः 78 या 80 के आसपास की बात है। हमारे एक बड़े जाने माने प्रोफेसर जेएस ग्रेवाल उस बैच के साथ गए पहले दिन, और वहां लड़कियों ने उन बच्चों को देखा, पूरी संस्था देखी, बहुत अच्छी साफ सुथरी और प्रसिद्ध संस्था, और शाम को आने के बाद उन्होंने कहा कि वे वहां नहीं जाएंगे। सब ने मिलकर तय कर लिया कि नहीं, हम वहां काम नहीं कर सकते, उन बच्चों के साथ हम सीख नहीं सकते, वहां मुझसे नहीं होगा, ये एक प्रश्न। हमने आपस में चर्चा की और हमने तय किया, उन बच्चों को खबर की कि ठीक है, हमने तो संस्था से आग्रह किया था, उन्होंने स्वीकार किया था, हम उनके पास जाएंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे, लेकिन साथ में सबको चलना पड़ेगा। मैं भी गया, मेरे 2-3 प्रोफेसर गए, प्रोफेसर ग्रेवाल गए, ये लड़कियां भी गई। लंबी कहानी है, वो साल भर वहां जाती रही, और मैंने कहीं लिख रखा था कि मैं पूछूंगा, पूछता भी रहता था। जब उनकी परीक्षा हो गई, मैंने उस ग्रुप को बुलाया और कहा कैसा रहा, मैंने कहा हम 2 घंटे बात करेंगे, तुम्हारा अनुभव क्या था। और उस दिन मैंने देखा कि एक संस्था जो है दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे कर सकती है। उन सब लड़कियों ने कहा कि वे दिव्यांग बच्चों के संस्थान में ही पढ़ाना चाहेंगे, उन्होंने इतना कुछ उन बच्चों से सीखा है, और जैसे आइंस्टीन ने एक बार एक बच्ची को पढ़ाया था, बहुत छोटी बच्ची को गणित पढ़ाने के लिए, पड़ोस की महिला ने आग्रह किया था कि मेरे गणित पढ़ा दीजिए, तो आइंस्टीन ने, जब वो बच्ची कहीं बाहर जाने लगी और परिवार जा रहा था, तो आइंस्टीन ने लिखा कि मैंने बच्ची को सिखाया कम, सीखा ज्यादा। वही इन लड़कियों ने जो BEd कर रही थी, उनमें बहुत सी पोस्ट ग्रेजुएट थी और काफी अच्छी उसमें थी, उन्होंने कहा हमने जीवन का रहस्य वहां सीख लिया है, हमने जीवन में जीवन का महत्व सीखा है, और अब हम जीवन भर इसको भूलेंगे नहीं,
हमें मौका अवसर मिलेगा तो हम उन संस्थाओं में ही जाएंगे या दिव्यांगजन पढ़ते। ये प्रकरण मैं आपको सुना रहा हूँ करीब 40 साल पहले का तो है ही, लेकिन हाँ इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है जो उन संस्थाओं में। मैंने कई विद्यार्थियों को वहां पर दिया तो प्रवेश भी बीएड में दिया हमने जब सुविधाएं कम थी। और मुझे याद है एक बच्चा आया और उसने प्राचार्य का कमरा खोला और मैं नीचे कुछ लिख रहा था तो मैंने सुना वो कह रहा है सर मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, आप मेरा एडमिशन करेंगे। मैंने देखा सामने की तरफ, मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसे दृष्टिबाधित विद्यार्थी था। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो भोपाल में बहुत काम करता है प्रोफेसर बना रोहित त्रिवेदी। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा प्रवेश करूंगा, मैंने कुछ नहीं पूछा। ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि बड़े उद्देश्य के लिए शोध करिए सब करिए मगर कहीं ना कहीं जीवन के उन वो अनुभव भी संस्थाओं में प्राप्त करते रहिए जो आपको भी बदल देंगे। रोहित त्रिवेदी ने या उन लड़कियों ने मेरे दृष्टिकोण को भी परिवर्तित कर दिया। जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय की कल्पना की है उन संकल्पना की होगी जिसको आधार दिया है उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत आवश्यकता है इस प्रकार की। और यह समाज के उस आवश्यकता का भाग है जिसमें अनेक लोग वंचित रह जाते हैं, किनारे पर भेज दिए जाते हैं, जिनको गांधी जी कहते थे लास्ट मैन इन द लाइन। और उन्होंने कहा था जीवन में कोई भी कार्य करो तो हमेशा इस बात पर विचार करो कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको कुछ लाभ होगा ही। कोई व्यक्तिगत काम करो, घर में कुछ लाभ आ रहे हो, खरीद रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उन लोगों को जिनको समाज ने वो सम्मान नहीं दिया, समाज का दृष्टिकोण परिवर्तन करना है। इसीलिए मैंने बीएड की वो घटना आपको सुनाई कि समाज का परिवर्तन संभव है, हर स्तर पर संभव है, संस्थाओं द्वारा संभव है, व्यक्तियों द्वारा संभव है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, अभी कुछ दिन पहले किसी एक भाषण में मैंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का जिक्र किया था जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और जिनका जीवन दिव्यांगता से परिपूर्ण रहा, मगर उनके बाकी जीवन में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई, वो दो सेनेटर बने, न्यूयॉर्क के दो बार गवर्नर बने और इतिहास में पहला व्यक्ति बना जो चार बार राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका में वहां नियम है कि दो साल दो के बाद कोई नहीं चुना जा सकता, कोई हो अच्छे से अच्छा हो, दो टर्म मिलते हैं, मगर देश ने मांगा है नहीं। और आप सोचिए कि कोई भी देश ये कहे कि ये व्यक्ति नियम तोड़कर रखा जाए क्योंकि देश को इसकी आवश्यकता है। वे पैरालाइज थे, उनके पैर वो हो गए थे 1921 में हो गए थे, लेकिन वो 1928 में और 1930 में न्यूयॉर्क के गवर्नर बने और 1935 में वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए मगर हार गए। वहां पर मैंने ये पढ़ा था, जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ ये है कि उनकी पत्नी चाहती थी, पति ने कहा नहीं, जीवन को संघर्ष के साथ जीना है। माँ का विचार था कि ये मेरा बेटा अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसको शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, आना चाहिए, राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, जीवन में कमियां हर जगह होती हैं मगर कमियों पर विजय प्राप्त करने से जो आंतरिक शक्ति बढ़ती है वो मैं चाहता हूं मैं आपकी जागृत हो, और वो जागृत हुई। ये एक बहुत ही, आपके पास बहुत से उदाहरण है मैं जानता हूं, वो सब नाम में नहीं ले रहा हूं, मैं केवल एक उदाहरण ले रहा हूं कि उसके बाद सीनेटर चुना जाना, दो बार गवर्नर चुना जाना और लोगों को जीत लिया। जो व्यक्ति इतने कष्ट में रहा हो, जिसके दोनों पैर पैरालाइज थे, लेकिन वो दुनिया में जब विश्व युद्ध हो रहा था उन्हीं के समय प्रारंभ हुआ था, वो चीजें अलग हैं, लेकिन जो प्रेरणा की बात है, आंतरिक शक्ति के आधार पर लोग कहीं भी जा सकते हैं। अध्यापक के रूप में मैंने इसका अनुभव किया है, आप में से बहुतों ने किया होगा और आपको भी प्रेरणा देता ही होगा। हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम देश के भविष्य की बात करते हैं, देश की पीढ़ियों की बात करते हैं। कोई भी किसी भी देश का की शिक्षा नीति या उसकी शिक्षा व्यवस्था उसकी भावी पीढ़ियों के लिए आशा की किरण होती है, रे ऑफ होप फॉर द जनरेशंस अहेड। बहुत से उदाहरण इसमें मैं दे सकता हूं, लेकिन हमारे पास इस समय ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें इस शिक्षा नीति में, आपने कहा ना रिफ्लेक्टिव इंटरेक्शन की बात, अभी आप एक शब्द मैंने सुना है जो कहा गया,
तो रिफ्लेक्टिव इंट्रेक्शन के टर्म से मैं आपको यहाँ ये नहीं कहूंगा कि इस नीति में क्या है क्या है क्या है, वो आपने पढ़ी है, लेकिन हमें चाहिए क्या और हमें ढूंढना क्या है, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। 1996 में यूनेस्को ने एक पुस्तक बना, एक रिपोर्ट बनवाई थी जिसका नाम है डेलोस कमीशन रिपोर्ट, और ये दुनिया भर में पढ़ी गई। ये रिपोर्ट ये थी कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। 2 अक्टूबर 1996 को जिनीवा में रिलीज हुई, मैं वहां मौजूद था और इसके अध्यक्ष ने एक बात कही, जैक डेलोस उनका नाम है। पहले किताब का जो शीर्षक है वो सुनिए, किताब का टाइटल है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, सीखना ज्ञान जो है वो मनुष्य के अंदर होता है, बाहर से नहीं आता। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की खोज होती है और उस खोज में अध्यापक सहायता करता है। तो जब मैंने ये टाइटल देखा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो मुझे स्वामी विवेकानंद की याद आई, ये वही दर्शन है और इसी दर्शन के आधार पर पेडागोजी बननी चाहिए कि जो कुछ सीखे वो व्यक्ति के अंदर है और उसी आधार पर वो अध्यापक उसकी सहायता करता है, उसके साथ चलता है, उसकी खोज में मदद करता है, बाहर से कुछ नहीं आता। ये विचारणीय प्रश्न है, एकदम जब हम कहेंगे तो सबकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ विचार करते जाएंगे तो धीरे धीरे आएगा। वहां पर जो चार बातें कही गई थी वो आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी। उन्होंने कहा था शिक्षा के चार स्तंभ हैं। पहला सभी जानते हैं लर्निंग टू नो, जानकारी लेना, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना। दूसरा है लर्निंग टू डू, कुछ कर सकने की क्षमताओं का विकास करना, वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग विद हैंड्स, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब इस विधा में आते जाते। तीसरा है लर्निंग टू बी, कुछ बनना, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना और कोई कौशल सीख लेना व्यक्तित्व विकास नहीं होता, उसका हिस्सा होता है, आवश्यक होता है, परंतु केवल वही काम नहीं आता। अतः मनुष्य में और क्या होना चाहिए, सामाजिकता कैसे आएगी, कर्तव्य बोध कैसे आएगा, चरित्र की बात कैसे आएगी, सेवा का भाव कैसे आएगा, ये लर्निंग टू बी में आता है। और चौथा था लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहना सीखना। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति में हमें इस बात को ढूंढना चाहिए कि हम कौन से देश हैं जहां विविधताओं के लिए हमें जाना जाता है। दुनिया में ऐसी कोई विविधता नहीं है, कोई ऐसा डाइवर्सिटी नहीं है जिसको हमने भारत में कहीं ना कहीं खोजा ना हो, है। और सबसे बड़ी विविधता है हमारे अनेक पंथ है, अनेक रिलीजन्स है, और उन रिलीजन्स के साथ हम हजारों साल से साथ साथ हम लोग रहते रहे हैं, प्रगति करते रहे हैं, भाईचारे से रहे हैं। हाँ नकारात्मकता भी हुई है, हमारा देश विभाजित भी हुआ है, अतः हमारे पास अनुभव बहुत है। वो अनुभव यूरोप के देशों के पास नहीं, वो पश्चिम के देशों के पास नहीं है, जो एक ही संस्कृति में, एक ही भाषा में, एक ही धर्म में जी रहे थे। और अब जब मिडिल ईस्ट से और कुछ अन्य देशों से उनके यहाँ लोग पहुंचे हैं, तो उन्हें कठिनाई हो रही है कि कैसे साथ साथ रहा जा सकता है और समाधान कहाँ ढूंढा जाएगा। दुनिया में मनुष्य हर समस्या का समाधान शिक्षा में ढूंढता है, और हम भी यही करते हैं। आप ये नीति भी यही करती है। ये नीति क्या करती है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से आप हर समस्या का समाधान निकालने के लिए जीवन में सक्षम हो सके। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि वो उसने कितने राजाओं के नाम याद कर लिए या कितने साल याद कर लिए। मुख्य उद्देश्य तो व्यक्तित्व विकास है, मुख्य उद्देश्य तो चरित्र निर्माण है, मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यता में कितने आगे बढ़ा है। स्वामी रंगनाथानंद जी कहते थे कि जब एक बच्चा अध्यापक के पास आता है, चाहे वो प्राथमिक शाला में आए या विश्वविद्यालय में आए, तो अपरिचित होता है विश्व से, ज्ञान से परिचित होता है, विश्व से होता है, सामाजिकता से होता है, परिवार में सीख कर आता है। अध्यापक क्या करता है, उसे एक व्यक्ति को, इसको ध्यान से देंगे, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल को व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देता है। आप शिक्षा नीति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को, मासूम से व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट सो इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ,
तब वो व्यक्तित्व की बात होती है। गांधी जी का व्यक्तित्व था जो प्रभावित करता था, तो व्यक्ति से व्यक्तित्व है। एनसीटी के का आपने जिक्र किया, एनसीटी जब बन रही थी और मैं उसका अध्यक्ष था तो मुझे उसके लिए एक लोगो चाहिए था, और मैं कई विद्वानों के पास गया और मैंने कहा ऐसा कोई मुझे वाक्य बताइए, वाक्य का अंश बताइए जिससे मैं, जिसमें अध्यापक आ जाए, उसके कर्तव्य आ जाए, उससे अपेक्षाएं आ जाए, शिक्षा का महत्व आ जाए, सब आ जाए। तो महाभारत से उन्होंने, एक बड़े विद्वान थे डॉक्टर रंगनाथ पांडुरंग राव, उन्होंने मुझे जो दिया है वो अभी भी एनसीटी में है, बदला नहीं गया है। अब वो है गुरुर गुरुतमो धामा, अध्यापक मनुष्यत्व से दैवत्व की राह पर ले जाता है। क्या शिक्षा नीति में इतनी सामर्थ्य है कि आपको इतना तैयार करे अध्यापक के रूप में कि आप अपने विद्यार्थियों को न केवल मनुष्य बनाए, उन्हें दैवत्व की राह पर आगे बढ़ाए, उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाए। जेडी टाटा ने लिखा कि ऑलवेज एम एट परफेक्शन, अच्छे से अच्छे उद्देश्य बनाओ, वहां तक नहीं भी पहुंचो तो भी क्या होगा, एम एट परफेक्शन यू विल अचीव एक्सलेंस, आप उत्कृष्टता तो पाएंगे। गुणवत्ता ढूंढिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उसके आधार में ढूंढ रहा हूं क्यों चाहिए गुणवत्ता मुझे, क्योंकि मुझे उत्कृष्टता की राह पर बढ़ना है, मुझे खुद भी बढ़ना है, अध्यापक को खुद भी बढ़ना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यावत जीवेत अधीयते विप्रः, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। आज के युग में वो अध्यापक अध्यापक कहलाने लायक नहीं है जो हर महीने के बाद, हर साल के बाद ये न कह सके कि मैंने इतना इतना अध्ययन इस वर्ष में किया है, इस महीने में किया। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं कि एम एट परफेक्शन, आपका विश्वविद्यालय भारत में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, विश्व में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में आना चाहिए, ऐसा उद्देश्य बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी कमी आपकी बाधा नहीं बन सकती। अगर फ्रेंडली रूजवेल्ट की पैरालिसिस उसकी बाधा नहीं बन सकी तो क्या हमारे पास फंड्स नहीं है, ये हमारी बाधा बनेगी, बाधा कभी नहीं बनेगी। और वही उद्देश्य लेना चाहिए, मैं उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय हूं, मैं एक छोटी सी जगह पर स्थापित हूं, मेरे साधन ये सब नहीं चलता, अगर व्यक्ति के अंदर स्वतः प्रेरणा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। नाउ अगेन, इस शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि व्यक्तित्व बढ़े और हमारे हर बच्चे का, हर युवा का आत्मविश्वास बढ़े। आत्मविश्वास कब बढ़ता है, जब करिकुलर और नॉन करिकुलर का भेद समाप्त कर दिया जाता है, जब कुछ करने का कौशल, हाथ से करने का कौशल, वह कक्षा छह से ही प्रारंभ सीखना प्रारंभ कर देगा, जब वो किसी कारीगर के साथ 10 दिन 15 दिन बिताएगा, बैकलेस इंटर्नशिप जिसका नाम दिया गया है, किताब किताब नहीं होगी, एक 7 दिन एक कारपेंटर के साथ रहिए, जो व्यक्ति दीवार में ईंट लगाता है उसके साथ रहिए, उसके जीवन को जानिए, उसके खाने को जानिए, उसके पहनने को जानिए, उसके परिवार को जानिए, और देखिए आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। मैं अपनी बात कई बार कुछ घटनाओं के द्वारा कहता हूं, और उन घटनाओं को इसलिए कहता हूं क्योंकि घटनाएं याद रह जाती हैं, लेक्चर की बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। भोपाल में ही मुझे अच्छी तरह याद है, 1969 में मैं प्राचार्य था और बाहर से दो कुछ शोर हो रहा था, तो मैंने कहा क्या बात है, तो बताया गया कि दो लोग आए हैं, कुछ लेबर हैं साहब, वो काम मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रशासन की उस पर मैंने बुला लिया, तो उन बच्चों ने मुझे बड़े कॉन्फिडेंस से कहा हम आपके यहाँ बीएड करना चाहते हैं, हमने फॉर्म भर दिया है, 7 रुपए का पोस्ट ऑर्डर भी लगा दिया है, वापस जाने के पैसे नहीं, अब इंटरव्यू होगा तो तब तक रुकना कैसे हो। तो मैंने कहा बैठ जाओ, बोले नहीं कपड़े बहुत गंदे, बैठेंगे तो कुर्सियां खराब हो जाएंगी। खैर वो बैठे और उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, वो बिना टिकट के आए हैं, मगर शाम की कक्षाओं में पढ़ते पढ़ते उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति बताई। उस दिन मैं बदल गया,
मेरा सब कुछ दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि मैंने इस स्थिति का मेरे को आभास ही नहीं था। वो बीएड करके किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए, अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन वे मुझे बदल गए। इसलिए इस शिक्षा नीति में अगर अध्यापकों को बदलने का प्रावधान है तो उसे ढूंढिए और अपने ऊपर लागू कीजिए और आप देखिए क्या। मैंने आपको चार स्तंभ बताए जो जिनेवा में कहे गए थे, वहां पर एक वाक्य और था जो मैं कहना चाहता हूं, जो इस शिक्षा नीति में है कहीं ना कहीं, उस रूप में नहीं है जिसमें, लेकिन होना चाहिए, आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखता है। वह है जैक डिलोस दुनिया भर की रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने कहा हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश की मिट्टी में जानी चाहिए, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता प्रगति के प्रति होनी चाहिए। अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर कमिटेड टू प्रोग्रेस। भारत की शिक्षा व्यवस्था वही सार्थक होगी जो भारत की संस्कृति से उपजी हो, भारत की ज्ञानार्जन परंपरा से उपजी हो, जो भारत की विरासत को जानती हो, भारत के इतिहास को जानती हो, और वो दूसरी बात है कि प्रगति के प्रति भी प्रतिबद्ध, जो नया ज्ञान है उससे दूर नहीं भागे, उसको स्वीकार करें, उसका विश्लेषण करें और ये देखे कि मेरे कितने उपयोग का है। प्रबुद्ध व्यक्ति कौन है, शिक्षित व्यक्ति कौन है, जो जानता है कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन जो परिवर्तन को स्वीकार करने के पहले उसका विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, वो क्षमता हमें, वो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इंसिजिव थिंकिंग, कैपेसिटी टू फॉर इंसिजिव एनालिसिस, ये आपको विकसित करनी है। ये जोर इस शिक्षा नीति में दिया गया है, क्योंकि कई उदाहरण है जो आप सब लोग परिचित हैं, जैसे प्लास्टिक का, प्लास्टिक आया, हमने बे इंतहा उसका उपयोग किया, अब हमने जाना कि हमें उस वक्त थोड़ा सोचना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, कितने प्रसन्न थे हम, वाह क्या बात है केमिकल फर्टिलाइजर, आज हम कहां पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां पर हमने ये नहीं देखा कि मेरे देश की आवश्यकता क्या है। तो जब हमारे देश की शिक्षा जड़ों से जुड़ेगी तो वो कैसे जुड़ेगी, उसके कुछ दे रहा हूं। यहां पर पहली बात तो यही है कि हमारे यहाँ कहा गया था यावत जीवित अध्येते विप्रा, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो पहली बात इस शिक्षा नीति में आई है। दूसरा, धर्म सदाचरण पर हमेशा जोर रहा, अर्थ पर जोर रहा, कमाइए, पैसे अवश्य लीजिए, धन अर्जन आवश्यक है, जीवन के सुख भी आवश्यक है, लेकिन कैसे प्राप्त किया है ये आवश्यक। बड़ा एक प्रचलित श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, जैसे जैसे आपकी विद्या और आपका ज्ञान बढ़ता है आपकी विनम्रता बढ़ती है, और ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। हर व्यक्ति को अपने पर लागू करना चाहिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया था तब मैं कहाँ था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या मेरी विनम्रता बढ़ी है या घट गई है। ज्यादातर घट जाती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें लगता है अब तो हमने ये, मैं डॉक्टरेट कर लिया, अब तो मैं महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन हमारी परंपरा क्या है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पार्थताम, जिसकी विनम्रता बढ़ती है वही सुपात्र होता है, वही समाज का उपयोगी होता है, उसी का व्यक्ति तो दूसरों की सेवा कर सकता है, वही दूसरों का सम्मान कर सकता है। और पात्रता धनम, आपको जब आप सुपात्र बन गए हैं तो आपको धन अवश्य अर्जित करना चाहिए। और यहां पर जो इसके आगे का वाक्य है वह शिक्षा का मूल मंत्र है, जीवन का मूल मंत्र है, पात्रता धनम आपनोति, पात्रता से धन पाइए, लेकिन धना धर्मम तथा सुखम, धन और सुख पश्चिम और पूर्व की संस्कृति को मोटे तौर पर यूं आप विभाजित कर सकते हैं। पश्चिम का दर्शन यह है कि अधिक से अधिक कमाइए, अधिक से अधिक संग्रह कीजिए और अधिक से अधिक सुख आपको मिल जाएगा। भारत की ज्ञानार्जन परंपरा में यह नहीं है, वे कहते हैं कि धन कमाइए और सुख मिलेगा, लेकिन बीच में एक खाई है,
उसको पढ़ना जरूरी है। वो क्या है, खाई शब्द सही नहीं है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सोपान है, वो है धर्म। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब सही आचरण, जो उसमें लर्निंग टू बी में जो आता है वो यहाँ पर है। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मीनिंगलेस, शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जिसमें चरित्र नहीं है। तो धनात् धर्मम, और इस धर्म को आज की भाषा में गांधी ने परिभाषित किया था, कैसे किया था, नेचर है सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ एवरीवन, प्रकृति के पास हरेक की आवश्यकता पूर्ति के साधन है, बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन, किसी के लालच की पूर्ति के लिए। एक व्यक्ति लालच करता है, गांव का तालाब भर देता है, उसमें खेत बना लेता है, पीढ़ियां उससे प्रभावित हो जाती हैं, पानी के स्रोत समाप्त हो जाते हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं मिलता, और जो एक कर लेता है वो दूसरा भी करता है। इसका ही एक हमारे पास ने इतना कुछ दिया है कि अगर हम उसको सोच समझ कर प्रयोग करें तो हमें ये विनयशीलता में आता है। ये उस दर्शन का हिस्सा है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में निकला था, जो दुनिया में हर जगह मान्य होना चाहिए और नहीं हुआ है, लोगों ने नहीं समझा, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। अब वो है अपरिग्रह का सिद्धांत, नॉन एक्यूमुलेशन। ज्यादा इस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गांधी की ये बात, नीड ऑफ एवरीवन, आवश्यकता अनुसार अगर मेरे पास चीजें हैं, अनावश्यक नहीं है, और अगर अनावश्यक है तो मैं किसी न किसी का हक मार रहा हूं, मेरे व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है, मैंने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा है, मैं पराविद्या और अपराविद्या की बात तो दूर की है, मैं सामान्य व्यक्ति की तरह भी विकसित नहीं हूं, अगर मैं अनावश्यक संग्रह करता हूं, मैं प्रकृति के और मनुष्य के संबंधों को नहीं जानता हूं, और भारत की परंपरा में ये इतनी जबरदस्त दर्शन है, ऋषि ऋण दैव ऋण पितृ, पितृ ऋण आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ऋषि ऋण उस समय हम सब भागीदार हैं, और दैव ऋण को हम कैसे भी चाहे कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में जब दुराव आ गया है, जब वो संबंध हटे, हमारी वो हमारी जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा हमें नहीं मिली, हम लिखना पढ़ना जान गए मगर शिक्षा नहीं हुआ, लिटरेसी आ गई, साक्षरता बढ़ गई मगर शिक्षा नहीं बढ़ी। उसी का परिणाम है कि हमारी नदियां जो है विषैली हो गई, सूख गई, हमारे जंगल कटते गए, हमारी स्पेसीज खत्म होती गई, और आज हमारे खेत केमिकल फर्टिलाइजर से बेकार होते गए, और आज हम क्या कर रहे हैं, उस जहरीली हवा को जो बड़े बड़े शहरों में हमें हमारे बच्चों को लेनी पड़ती है, हम उसे साफ करने के लिए संयंत्र ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ हम वो भी कर रहे हैं, हम गंगा में अभी भी प्रदूषण फैला रहे हैं और हम उसके लिए सफाई के लिए खर्च भी कर रहे हैं। मनुष्य इस आधुनिक सभ्यता में कहां पहुंचा है, इसे गांधी ने तो बहुत पहले पहचाना, उन्होंने तो 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा, और वो पुस्तक इधर बहुत पढ़ी जा रही है, जिसमें कहा गया था कि अगर मनुष्य इस आधुनिक सभ्यता को करेगा, आंख मूंद कर उसका अनुसरण करेगा, तो अपने को बर्बाद कर लेगा। और ये बात सही, मैं आपको चीज और बताना चाहता हूं, शिक्षा नीति में जब तक मूल्यों की शिक्षा नहीं होगी, संस्कारों की शिक्षा नहीं होगी, जब तक व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों की बात नहीं होगी, जब तक हमारे उन ऋणों की बात नहीं होगी जिनको मैं संक्षेप में आपको जिक्र किया है, तब तक मनुष्य और मनुष्य के बीच में विश्वास पैदा नहीं होगा। आज दुनिया में जो स्थिति है, नए हमारे विद्यार्थियों के सामने जो स्थिति आएगी, वो क्या स्थिति है, हर तरफ हिंसा है, युद्ध है, अविश्वास है, आतंकवाद है, धार्मिक अंधवाद, कितनी ही चीजें गिना से, और दूसरी तरफ कितने बड़े बड़े हथियार बनते जा रहे हैं, और भूखमरी घटी नहीं है, किसी न किसी रूप में बीमारियां बढ़ी। आज कोरोना जो आया है, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को तोड़ देने के कारण ही इसका थोड़े दिन में स्टैब्लिश होगा कहने का। मनुष्य अपनी समस्याएं स्वयं पैदा करता है, शिक्षा उसे रास्ता दिखा देती है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है, लेकिन अगर शिक्षा उसे बाद में रास्ता दिखाने के पहले ही रास्ता बता दे कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी बहुत सी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। एक चीज और है, हमारे यहाँ जो इस समय इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं जो मैं अभी नहीं उसमें जा रहा हूँ,
हम पढ़ाते कैसे? उसमें थोड़ा सा मैं दर्शन की बात कर दूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा कि दुनिया में दो वरदान हर मनुष्य को मिलते हैं। ये पेडागॉजी की तरफ मैं जा रहा हूं, जो पेडागॉजी में परिवर्तन है उधर जाने के लिए आपको इंगित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, उनका स्कूल का जीवन बहुत ही कष्टकर था। उन्होंने लिखा कि उस अध्यापक को देखकर मुझे बेत दिखाई देता था। अध्यापक सामने खड़ा होता था, केन परसॉनिफाइड अंग्रेजी का शब्द है, मैं उसको देखकर इतना भयभीत मतलब उससे दूरी हो जाती थी, मुझे लगता है केन परसॉनिफाइड। उन्होंने कहा कि, और उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, आपने भी देखा होगा, संभव है आपने श्री के दर्शनार्थी के दर्जे भी हो। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को दो वरदान प्रकृति देती है, और ये वरदान है पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन, विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति। हम में से हर एक ने देखा, और जो लोग दिव्यांग बच्चों का अध्ययन करते हैं उन्होंने विशेष रूप से देखा होगा कि उनकी रुचि बड़ी प्रखरता के साथ कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, जिसमें वैचारिकता होती है, संकल्पना भी होती है। ये चीज अध्ययन के लायक है, संभव है कुछ लोग कर भी रहे हो, मैं परिचित ना हूं, लेकिन ये कौन सा कारण है? ये संकल्पना की शक्ति है, ये किसी के शारीरिक उस पर निर्भर, कमी पर निर्भर नहीं करती, उसके रंग पर निर्भर नहीं करती, उसकी जात पर निर्भर नहीं करती, उसके स्थान पर निर्भर नहीं करती। ईश्वर ने जिस प्रकार प्रकाश दिया है, हवा दी है, वैसे ही उसने मनुष्य को विचारों की शक्ति दी है और संकल्पना की शक्ति दी है। ये गुरुदेव का दर्शन था, और आप इससे परिचित हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आपने देखा, आपने छोटे बच्चों को वैचारिकता देखी है, उनके अंदर ये देखा है कि किस प्रकार वो खिलौना आता है, खेलता है, उसके बाद उसे तोड़ता है, फिर जोड़ता है, कोशिश करता है, ये सब हमने देखा है। बहुत सी बातें इस पर की जा सकती, मगर इस महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा नीति और उसकी पेडागॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों वरदानों को कुंठित ना करे, शुड नॉट इम्पीड द पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। और दुर्भाग्य है कि हम यही करते रहते हैं, हम लगातार यही करते हैं कि परीक्षा के लिए है, इस पाठ को पढ़ो, उत्तर जैसा एनसीईआरटी ने दिया है वैसा ही लिखना है, अगर एक शब्द इधर उधर हो गया तो नंबर नहीं आएंगे। इस शिक्षा नीति ने इससे निकालने का प्रयास किया, कितना सफल होगा ये आप पर निर्भर करेगा, लेकिन ये प्रयास है, पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब इन चीजों को दूसरे ढंग से देख लीजिए, जिसके पास पावर ऑफ आइडियाज होगी, पावर ऑफ इमेजिनेशन जिसकी बढ़ती जाएगी, जिसको अवसर मिलेगा उसकी बढ़ेगी, वो उसके साथ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहला क्यूरियासिटी, आइडियाज एंड इमेजिनेशन जनरेट क्यूरियासिटी, एंड क्यूरियासिटी लीड्स टू क्रिएटिविटी। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मुख्य है, ये शिक्षा नीति के मुख्य तत्व यही, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, ये चारों शब्द आपके मस्तिष्क में बैठ जाने चाहिए, पहले से बैठे हो तो बहुत अच्छा, इन्हीं को प्रिजर्व करना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, और इनको आप इसमें ढूंढिए। जब गांधी कहते हैं टू ड्रा आउट द बेस्ट आउट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, बात तो वही आई, वही पर आ जाती है, बॉडी माइंड स्पिरिट। हमारी जो बोर्ड की परीक्षा प्रणाली है केवल मस्तिष्क, मस्तिष्क और मस्तिष्क की बात करती, बाकी सब भूल जाती, लर्निंग टू भी भूल जाती है और सब कुछ भूल जाती है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, सर आपकी आवाज आ रही है। अरे ठीक है, अरे था तो अब गांधी ने जो बात कही थी उसको देखिए, उसको मैं 3x3 मैट्रिक्स करके कहता हूं, वो है टू ड्राव द बेस्ट आउट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, दूसरा ढंग है सेल्फ सोसाइटी एंड नेचर, हेड हैंड एंड हार्ट, तीनों को एक लाइन एक के नीचे दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, और फिर आप देखिए कि जो टैगोर की बात है उससे कितना मिलता जुलता है या नहीं मिलता जुलता है, मिलता है।
चलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसी अपरिचित बातें नहीं है, लेकिन हमने इस शिक्षा नीति में जो प्रयास किया गया है वो इन सबके समझने के बाद किया गया। अब थोड़ा सा हम एक और दर्शन की बात करते हैं, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जो थोड़ा मैं कह भी चुका हूं, वो है श्री अरविंदो का दर्शन। मैं जब ऐसी टीका चेयरमैन था तो मैं श्री अरविंदो को पढ़ रहा था और मुझे समझने में कठिनाई हो रही थी। हम इसे बहुत लोग जानते हैं कि मेरी डॉक्टरेट फिजिक्स में है, मैं फिजिक्स पढ़ाता था BHU में, उसी के आधार पर प्रोफेसर बना था। एजुकेशन में तो मैंने अपने मित्रों से सीखा है, मैं सीख कर नहीं आया था। तो जब मैं श्री अरविंदो का पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अध्यापकों को पढ़ना अवश्य चाहिए, और मैंने श्री मनोज दास से पुस्तक लिखाई, श्री अरविंदो ऑन एजुकेशन, छोटी सी पुस्तक है जो सारी संस्थाओं को भेजी गई थी उस समय। उसमें उन्होंने तीन बातें कही है जो हर अध्यापक को, चाहे वो प्राइमरी का अध्यापक हो, विश्वविद्यालय का हो, बहुत कुछ आगे के लिए बता देती। उसका पहला है जो उनके दर्शन का, वो इस शिक्षा नीति में है कि फ्रॉम नियर टू फॉर। अरे दुनिया भर में सब लोग जानते हैं कि बच्चों को घर से जब स्कूल लाएं तो जो वातावरण का परिवर्तन हो वो बच्चे को ऐसा न लगे कि एकदम बदल गया है, परेशान न हो जाए। इसीलिए सारी दुनिया में महिलाओं को प्राथमिक शालाओं में कहा जाता है कि महिलाओं को ही अध्यापक होना चाहिए। उसका बहुत अच्छा कारण है, जो माँ किससे मिलता है वो स्कूल में मिले तो स्कूल में बच्चे की रुचि बढ़ती है। ये उनका था फ्रॉम बीए टू फॉर। अब इस बार क्या हुआ है, यहाँ तो हम 3 साल के बाद बच्चे को लाने की स्थिति कही है, 5+3+3+4 कहा गया है। बहुत कठिन चुनौती है ये 5 वाली जो है, पहले 3+3+4+5+ जब सबसे अधिक मस्तिष्क का विकास होता है, सबसे अधिक संवेदना युक्त अध्यापक की आवश्यकता होती है। कैसे होगा तो ये तो आगे का समय बताएगा कितना संभव होगा कोरोना के बाद के समय में, उसको छोड़िए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि इधर ध्यान गया है कि फ्रॉम नियर टू फॉर ट्रांजिशन अगर सही होगा, प्री स्कूलिंग अच्छी होगी तो बच्चे की रुचि स्कूल में होगी और उसको अपनी रुचि का विषय आगे मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है कि आप फिजिक्स के साथ फिलॉसफी पढ़ सकते हैं, आप म्यूजिक पढ़ सकते हैं, विषयों का या स्ट्रीम्स का बंधन खत्म होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये नियर टू फॉर की बात है, जो बच्चा चाहता है उसको ध्यान देने की बात है। दूसरा उनका है नथिंग कैन बी टॉट, पढ़ाया कुछ भी नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, डिस्कवर किया जा सकता है। कितने अध्यापक कहेंगे ये क्या बात हुई, पढ़ाया कुछ भी नहीं जा सकता, हम तो जिंदगी भर पढ़ाते रहे। लेकिन उस पढ़ाने में अगर हमने ये सीखा होता कि हम वी आर एक्सप्लोरिंग द ट्रेजर ऑलरेडी विद इन मैन, द परफेक्शन ऑलरेडी विद इन द पर्सन, तो हमारा सामंजस्य बैठ जाएगा, हम अपनी सीमाओं को जान जाएंगे, हम बच्चे के अंदर जो विशालता है उसको समझ जाएंगे और हमारा पूरा दर्शन जो है पेडागोजी का बदल जाएगा। हमारी प्राचीन परंपरा में एक बहुत बात, हम डायलॉजिकल ट्रेडिशन की बात आप सबने पढ़ी होगी, प्रश्न प्रतिप्रश्न परिप्रश्न, बातचीत डिस्कशन डायलॉग, क्या दुनिया में कोई भी इसको कह सकता है कि आवश्यक नहीं? क्या आगे के संस्थाओं में हम अपने लोगों को जब अध्यापक बनाएंगे तो ये हम उन्हें सिखा पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है? डायलॉजिकल ट्रेडिशन, बड़े बड़े उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण तो गीता का, हर जगह ये होता था, गुरुकुल परंपरा में बातचीत होती थी, केवल सुनना नहीं होता था। और इसको और ढंग से पंडित विद्याराज मिश्र की ने भी मेरे अनुरोध पर एक पुस्तक लिखी थी, अध्यापन भारतीय दृष्टि, तो उसमें उन्होंने 4 सोपान बताए हैं जो हम सबको परिचित होना चाहिए और हमारी शिक्षा नीति के लिए बहुत ही आवश्यक रहे हैं, इस पर बड़ी चर्चाएं भी हुई हैं। वो 4 सोपान क्या है, अध्ययन हम सब जानते हैं, कक्षा में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, इसे अध्ययन का हिस्सा होता है, कई चीजें इसमें। और दूसरा है मनन, जो कई बार भूल जाते हैं। मनन का अर्थ है कि उसके बाद स्वयं व्यक्ति सोचे कि मैंने जो पढ़ा है उसमें कितना समझाए मैंने,
मना का अर्थ यह है कि किसी लेक्चर के बाद या लेक्चर के साथ ही अध्यापक 5 मिनट बच्चों से आप शांत होकर बैठ जाइए, रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव हर्ड इन द लास्ट 40 मिनट्स, थिंक ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव बीन एबल टू रिटेन. इफ द चाइल्ड डज इट, ही आर शी विल इमीडिएटली फाइंड आउट ओ दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई कुड नॉट फॉलो, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई विल हैव टू आस्क समबडी. एंड द थर्ड स्टेज इज चिंतन, पीयर लर्निंग, इनकरेज देम टू टॉक टू ईच अदर. जो मैंने नहीं समझा है, हो सकता है मेरे बगल की डेस्क पर बैठने वाले ने समझ लिया हो, और जब मैं उससे चर्चा करूंगा तो हम दोनों बहुत आगे निकल जाएंगे. और चौथा जो है वो है उपयोग. उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसका उपयोग आपने न सिखाया हो. और आप देखेंगे जिस कक्षा में आप पढ़ाते हैं या जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, जिसके साथ नया सीखते हैं सिखाते हैं, अगर आप उसको बता देंगे उसका उपयोग क्या होगा तो उसकी रुचि बढ़ जाएगी. मैं अपना उदाहरण देता हूं कि जब मुझे कैलकुलस पढ़ाया जा रहा था तो मैंने पढ़ा, मैंने परीक्षा दी, मैंने अंक प्राप्त किए, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आया था उस वर्ष में कि इसका उपयोग क्या होगा. मैंने पूछा, मुझे उत्तर भी नहीं मिला. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती. देखिए, 4 स्टेप है, अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग. और अगर इसको हम अपनी पेडागॉजी में डाल दें, जो ये कहा गया कि अब कोई भी अध्यापक तभी तैयार किया जाएगा जब वो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ेगा. 4 वर्ष के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं, 1964-65 से चल रहे हैं. 11 वर्ष प्राचार्य के रूप में मैंने भी चलाए हैं. और इन 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी जहां जहां गए उन्होंने अपना अलग स्थान बनाया. हर प्राचार्य ने उनकी प्रशंसा की. वे अन्य जगहों पर गए अध्यापन के अलावा, वहां भी उन्होंने नाम कमाया. क्योंकि 4 वर्ष तक जब आप किसी एक विधा में प्रवीण होते हैं, जैसे आप मेडिकल की डिग्री में होते हैं, सब होते हैं, तो आपका मस्तिष्क, आपका सोच वो परिपक्वता प्राप्त कर लेता है. उस परिपक्वता में सभी चीजें आ जाती हैं. इसलिए इस नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वे बहुत ही जबरदस्त हैं और बड़े ही काम के हैं. अब कुछ चीजें मैं आपको और एक दो कहना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार के व्यक्तित्व की भारत में आवश्यकता है, कैसा व्यक्तित्व शिक्षा नीति के द्वारा निर्मित होना चाहिए. अब ये बातें जो हम पहले कहते थे, चरित्रवान होना चाहिए, मूल्यों की तरफ होना चाहिए, सत्य और अहिंसा की बात होनी चाहिए, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. और उस कमी का कारण क्या है? हमने ये मान लिया है कि सब कुछ स्कूल के अंदर ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. या विश्वविद्यालय के अंदर ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि विद्यार्थी स्कूल आता है, विश्वविद्यालय आता है, मगर वो अपने चारों तरफ देखता है कि क्या हो रहा है. आपको याद होगा हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था, महाजनों इन गता सपन था. जिस रास्ते पर महान व्यक्ति गए हुए हैं, जो अनुकरणीय है, उनका रास्ते पर आप चलिए. महात्मा गांधी ने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता बहुतों ने अपनाया. नेल्सन मंडेला ने अपनाया, 30 साल के जेल में रहे, अपने बात पर दृढ़ रहे, सफल हुए. मार्टिन लूथर किंग ने अपनाया, उनकी हत्या हो गई, लेकिन रंग भेद की नीति समाप्त करने में वो बलिदान काम आया. गांधी के जो मूल्य थे स्वतंत्रता संग्राम के पहले, वो अद्भुत थे, लेकिन गांधी जी के शिष्यों ने उन्हें माना नहीं, अनुकरणीय नहीं बने, वे अनुकरणीय उदाहरण नहीं दे पाए. गांधी जी का ये बात याद रखिए, जब उनसे किसी ने कहा कि आप क्या क्या संदेश है लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जो जीवन है वही मेरा संदेश है. जो मैं हूं, जैसा हूं, सबके सामने हूं, कुछ भी तो छिपा नहीं है. कैसे मैं रहता हूं, क्या मैं सोचता हूं, क्या मैं लिखता हूं, कहां मैं सफल होता हूं, कहां मैं असफल होता हूं. गांधी असफल हुए, निश्चित रूप से हुए, लेकिन हर विद्यार्थी को जैसे आपको ये बताना है कि अगर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उन सारी कमियों के साथ
कहां से कहां पहुंच गए, महात्मा गांधी में परिवर्तन कैसे, वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं समझता हूं नई शिक्षा नीति को समझने में और अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्टता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको इस घटना का ये विश्लेषण अपने आप विश्लेषित करना चाहिए। मेरे को सुन लीजिए मगर स्वयं विचार कीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनकी वकालत यहाँ चल नहीं रही थी क्योंकि वो झूठ बोलते नहीं थे। उन्हें वहां एक नौकरी मिल गई, दादा अब्दुल्ला ने कहा वहां आ जाइए, अंग्रेजी और गुजराती के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर दीजिए। ये पहुंच गए, प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्रिटोरिया से चले, स्टेशन पे थे पीटर मारिटबर्ग नाम के स्टेशन पर, गाड़ी में बैठे। वहां पर रंग भेद की नीति थी, एक गोरे रंग का अंग्रेज आया, उसने इनको हटाने की कोशिश की, ये हटे नहीं तो मारपीट करके इनको धक्के देकर फेंक दिया गया। वो बैठे रहे वहां पर और अकेले बैठे थे, ठंड का समय था, प्लेटफॉर्म पर अपमान की सीमा नहीं थी। और ये 24-25 साल का यंग बैरिस्टर जो पढ़ा लिखा हो, तब ये महात्मा गांधी नहीं थे, मिस्टर एमके गांधी थे, बड़ा अपमान लगा। लेकिन देखिए जो व्यक्ति के अंदर होता है वह हमेशा पवित्र ही होता है, परिस्थितियां उसको अवृत करती हैं। गांधी ने कहा कि मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने मेरा अपमान हुआ है, मैं ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर सकता हूं, मैं उस आदमी को सजा दिला सकता हूं, मगर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है वो न बदले फिर वही करे, मेरा अपमान मुझे लगे हाँ बड़ा अच्छा हो गया, मगर इसका कोई मतलब नहीं। पीढ़ियों से सैकड़ों वर्षों से लोग रंग भेद को लाखों की संख्या में अपमानित हो रहे, अगर मुझे कुछ बदला लेना है, अगर मुझे कुछ करना है, कोई सुधार करना है, तो मुझे सबकी बात सोचनी चाहिए। और उनकी आत्मकथा में बड़े अच्छे ढंग से लिखा हुआ है जो मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए। मैंने अपने धर्म का विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़ना तो बेकारता होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है वह ऊपरी कष्ट है, वो गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण नहीं है, ये महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझमें इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए, ऐसा करते हुए जो भी कष्ट मुझे सहना पड़े वो सहना चाहिए और उसका विरोध रंग द्वेष मिटाने की दृष्टि करना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, जो आपको भी करना है, गांधी ने व्यक्तिगत अपमान को सार्वभौमिक कर दिया, ही यूनिवर्सलाइज्ड द इंडिविजुअल ह्यूमिलिएशन टू होल जनरेशन एंड होल कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वर सफरिंग द एपाथी। दिव्यांग लोगों ने यही सफर किया, समाज अपने अज्ञान के कारण एपाथी क्यों थी, रंगभेद क्यों था, दासप्रथा क्यों थी, क्योंकि अज्ञानी लोगों ने कह दिया था कि ये ईश्वर ने ऊंचे बनाए, ये नीचे बनाए, जाति प्रथा क्यों थी, अज्ञान क्या कारण था, नीत स्वार्थी तत्वों का जो बातें थी उनका कारण थी। तो इसको ये दिव्यांगों के साथ हुआ है, ये छुआछूत मानने वालों ने किया है, यही चीज जो लोग ये कहते थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, वही लोग मंदिर में कुछ लोगों को जाने नहीं देते थे। ये कैसे विरोधाभास है, नई शिक्षा नीति को ज्ञान का वो दृश्य सामने लाना चाहिए जिसमें ऐसे विरोधाभासों से हर व्यक्ति को मुक्ति मिल सके। और उसके लिए प्रयत्न कितना करना पड़ेगा, जो गांधी ने रंग भेद मिटाने के लिए किया कि अपने अपमान को भूलकर वैश्विक स्तर पर समस्या महारोग को लिया, दिव्यांगों के प्रति जो दृष्टिकोण थे जो अब बदल रहे, वे एक महारोग थे, छुआछूत एक महारोग था, मंदिर प्रवेश जैसे में कुछ लोगों को रोकना एक महारोग था,
लेकिन मनुष्य समाज की सभ्यता में जो गतिशीलता होती है वो इन सबका उत्तर देती है, और उस गतिशीलता को लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। हर शिक्षा नीति की गतिशीलता ही उसकी उपयोगिता को दर्शाती है। अगर कोई शिक्षा नीति नहीं बदलती है तो निश्चित रूप से वो उपयोगी ही नहीं रहती, उसकी उपयोगिता उसकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। 20वीं सदी परिवर्तन की सदी थी, 21वीं सदी परिवर्तन की गति की सदी है। कोई नहीं जानता कि कल आपका जो मोबाइल है और क्या क्या करने लगेगा। क्या 3 साल पहले जो मोबाइल के गुण आपने देखे थे आज वो है बदल गए, नया सीखना पड़ेगा। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो सिद्धांत है, बिना उसके सीखे बिना उसको लागू किए चीजें चलेंगी ही नहीं। और भी कई चीजें हैं लेकिन मेरा समय पूरा होने वाला है, इसलिए मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। एक छोटी सी घटना है अध्ययनशीलता के बारे में, वो भी गांधी से जुड़ी है और शायद आप जानते होंगे और आप बोलेंगे नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक बार जा रहे थे, उस समय वो बड़े अच्छे वकील बन गए थे, बड़ी उनकी आमदनी अच्छी थी, उनका बड़ा सा बंगला था, सब कुछ था, अब प्रसन्न थे। तो एक व्यक्ति ने छोटी सी किताब दी, रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की लिखी, 40-42 पृष्ठ की पुस्तक उपलब्ध होगी और आज भी मिलती है। उन्हें उसको पढ़ा और अगले सुबह छोटी सी पुस्तक रात में पढ़ ली, अगले सुबह उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन बदल, एक पुस्तक ने उनका जीवन बदल दिया, अब मैं परिश्रम से जीवन चलाऊंगा, ये जो मैंने पढ़ाई लिखाई और वो कलर्स वगैरह ये मैंने कर। उन्होंने थोड़ा सा फॉर्म बनाया, जमीन किसी तरह ली गई और वहां पर घोर परिश्रम किया, उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन वहां पर जो उन्होंने उसको समझा कैसे, हर व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में 3 वाक्यों में लिखा है। उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति के लिए सेवा करने का जो निष्कर्ष मुझे उस पुस्तक से मिला वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। वो निष्कर्ष क्या था, पहला, सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है, मैं खुश रहूं और मेरा पड़ोसी भूखा सो जाए तो मेरे को खाने में स्वाद नहीं आएगा, मेरे देश में करोड़ों लोग भूखे सोएं, मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊं और मुझे भूखे लोग खाना मांगते दिखें, कहीं ना कहीं तो मुझे लगेगा कि कुछ मुझे भी करना चाहिए। ये गांधी कर गए, उस किताब से सीख गए, और कई जगह कहा गया, ये अनेक पुस्तकों में बात कही गई है, नई बात नहीं है। लेकिन जब नई पुरानी बात को हम व्यवहारिकता में बदल देते हैं तब वो नया हो जाता है। गांधी ने बदल दी, उन्होंने अपने कपड़े पोशाक बदल दी। लेनिन के लिए कहा जाता है कि लेनिन ने कहा था रूस में, उनकी राजनीति को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जब वहां गया था बहुत पहले, करीब 38 साल पहले मैं गया था, स्कूलों में गया, तो मुझे वाक्य बताओ, लेनिन ने कहा, जब तक हर रूसी के पैर में एक जोड़ी जूता ना आ जाए तब तक किसी को दूसरी जोड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसे शर्म आएगी। अगर मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं और मेरे पड़ोस वाले का जूता फटा हुआ है और हम साथ बैठते हैं तो क्या लगेगा मुझे, मैं बड़ा महसूस करूंगा, नहीं, मुझे कहीं ना कहीं शर्म है अगर मेरा व्यक्तित्व विकसित है। ये बात है लर्निंग टू बी के अंदर आती है, इस शिक्षा नीति में इस बात को कहने का प्रयास किया गया है, तो आपको देखिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वकील नाई के काम की कीमत समाज में बराबर होनी चाहिए, सम्मान बराबर होना चाहिए। वकील की आवश्यकताएं होंगी पुस्तक खरीदने की, नाई की उतनी नहीं होंगी, वो अलग चीज है। लेकिन हम सबने देखा है इन दिनों कोरोना के समय में कि प्लम्बर की कितना महत्व है, नाई का कितना महत्व है, छोटे छोटे काम जो उनको हम छोटा मानते थे वे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपके घर का नल टूट जाए और प्लम्बर आए लॉकडाउन में तो जो कष्ट होगा वो उसको सोच के देखिए, वही महत्व। अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर जॉन डब्ल्यू गार्नर की किताब है एक्सलेंस, ढूंढ कर पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम एक कहना चाहिए एक
तीसरी श्रेणी के दर्शन शास्त्री को तो हम बड़ा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की बात करता है भले ही न समझता हो, लेकिन हम एक प्लम्बर को चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो हम उसे नीचा मानते हैं, ये उचित नहीं है। अगर आप ऐसा भेद रखेंगे तो न तो आपके यहाँ अच्छे दर्शन शास्त्री बनेंगे न आपके अच्छे प्लम्बर बनेंगे। आपको एक अच्छे प्लम्बर की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता एक अच्छे दर्शन शास्त्र की है, जितनी आवश्यकता एक अच्छे डॉक्टर की। तो ये उनका दूसरा सिद्धांत था, आजीविका का अधिकार सभी को समान है, सबको उनकी आजीविका का अधिकार होना चाहिए। हमने इस पर विचार नहीं किया, जब हम ट्रैक्टर्स लाए गांव में सब प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा, गांधी ने उल्टा लिखा था। अब हमारे पास कितनी समस्याएं पैदा हो गई है, जिस पराली का उपयोग गांव का किसान जानता था और हम सब ने देखा है अपने जीवन काल में, आज वो पराली कितनी बड़ी सी समस्या बन गई है, हम जानते नहीं है, क्योंकि जानवर है नहीं, उसका उपयोग होगा नहीं। तो परिवर्तन को बिना सोचे समझे आगे को देखे स्वीकार न करना आत्मघाती होता है। नई पीढ़ी को आपको ऐसी शिक्षा देनी है कि हर परिवर्तन कितना ही आकर्षक क्यों न हो उसको स्वीकार करने के पहले केवल उतना ही स्वीकार करिए जो आपकी देश काल परिस्थिति में होता लागू होता हो। इस देश को वही शिक्षा चाहिए और वही बात कही गई थी बुनियादी तालीम में। बुनियादी तालीम में मुख्य रूप से क्या कहा गया था, यही कहा था कि ऐसा है उसके लिए विनोबा भावे ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, उन्होंने कहा बुनियादी तालीम के संबंध में कहा, लेकिन आज की शिक्षा नीति में मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं। उन्होंने कहा कि बुनियादी तालीम का जो तत्व है, देखिए एक तो शिक्षा का तंत्र है और एक तत्व है और बीच में एक तथ्य भी आ सकता है, तंत्र तथ्य, तथ्य माने जो स्थित वास्तव में है और तत्व जो होना चाहिए जो मूल हमारा अधिकार है। तो विनोबा जी का कहना था कि बुनियादी शिक्षा में जहां पर अध्यापक जानता है कि नथिंग कैन बी टॉट एवरीथिंग कैन बी डिस्कवर्ड, अध्यापक को बच्चा बनना पड़ता है और बच्चे को बड़ा होना होता है। अध्यापक वही सही है जो बच्चे के मानसिक स्तर पर आ सकता है, उसके संवेदनात्मक स्तर पर आ सकता है, क्योंकि ये श्री अरविंदो का तीसरा वाक्य था जो मैंने अभी मैंने उसमें नहीं जोड़ा, दो तो मैंने आपको बताया, तीसरा था माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स डेवलपमेंट, व्यक्ति के विकास में उसके मस्तिष्क की क्या स्थिति है उसको समझने के बाद ही आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये विनोबा जी कहते हैं बच्चे के स्तर पर आना होता है, उसकी भाषा में बात करनी पड़ती है, जो मातृभाषा की बात कही गई है इस नीति में भी बार बार सारी दुनिया में कही जाती, क्यों कही जाती, क्योंकि मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव डालना बच्चे के हित में कहीं नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, ना हो सकता है। इस बात को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा था। तो खैर देखिए भारत की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत कुछ बातें आपसे मैं कह सकता हूं और कहता रहता हूं, जहां अवसर मिलता है बोलता भी रहता हूं, लेकिन कुछ बातें चूंकि आपकी स्वच्छता बड़ी है और मेरी संकल्पना में बड़ी है, मैं उस क्षेत्र से परिचित हूं और वहीं के आसपास में भी पढ़ा हूं। कोई भी संस्था के आगे कोई ये नहीं होता कि यहीं तक जा सकती हो, कहीं तक जा सकती, कोई भी प्राध्यापक को कहीं भी पढ़ा रहा हो कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है अगर उसकी कर्मठता बढ़ती रहे। नई शिक्षा नीति के उसमें भाग लीजिए और भाग लेने के लिए अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि आप आलोचना से बचिए, आलोचना की समय नहीं रहा, जो भी शिक्षा नीति में आया है लाखों लाखों लोगों से हुआ है। एक पहले समिति बनी थी टीएसआर सुब्रमण्यम की जिसमें 5 लोग थे, 4 आईएएस अफसर थे, 1 मैं था, उसके रिपोर्ट के बाद एक असली रंग समिति दूसरी बनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप आलोचना का समझिए, इसमें जो जो अच्छा है उसमें लग जाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने को कंटिन्यूअसली हैव टू ग्रो। आपकी उम्र बढ़े ये काफी नहीं है, उम्र तो बढ़ेगी,
लेकिन आर यू ग्रोइंग अप, ये सवाल अपने से अकेले में पूछिए, हर अध्यापक को पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूँ, और इस समय समय होता है तो जरूर पूछता हूँ कि मैंने पिछले महीने कुछ किया या नहीं, ये पहली बात है। तो इसके लिए हल्की सी बात है कि हम सब आलोचना में बहुत प्रवीण होते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, कहते अरे उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो श्री शायद ने किसी ने लिखा मुझे, किसी ने दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरदम तलाशे घर में रहता है आदमी, दूसरे की तलाश ढूंढता रहता है, अरे वो समय से नहीं आता, वो पढ़ता नहीं है, वो अच्छा अध्यापक, ये सब हम करते रहते हैं, अपने बारे में नहीं करते। हरदम तलाशे घर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। अपनी आलोचना करूं, अपना विश्लेषण करूंगा तो बहुत सी कमियां दिखाई देंगी और उससे मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। मैं अभी भी जब विद्वत वर्ग के लोगों के पास जाता हूं, मेरे अध्यापक हैं, तो एक कलम और एक छोटी सी लिखने की डायरी लेके जाता हूं, क्योंकि हर बार मुझे कहीं कहीं कुछ मिल जाता है। अगर ये हम आपस में हम सामने सामने कर रहे होते तो आपके साथ जो बातचीत होती उससे भी मैं कुछ न कुछ लेकर ही आता और उसको बार बार विचार करता, सोचता। मैंने आपको अध्ययन मनन चिंतन उपयोग की बात बताई है, संभव है उसको देख लीजिए कि कितना वो आगे बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता। एक जो मैं जहां भी बोलता हूँ, एक अपील मैं करता हूँ, बहुत साल हो गए हैं मुझे इसमें काम करते हुए, और मेरा जो गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां सड़क अभी भी नहीं बनी है, 2 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, कारण जो भी। इस समय ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही, आप सब लोग जो सुन रहे हैं उसी, ये मेरी व्यक्तिगत अपील है, आप ये भी कह सकते हैं ये मेरी फीस है। मैंने उन बच्चों को देखा है जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई सुविधा नहीं, और मुझे बहुत कष्ट हुआ है। तो मैंने अपने कुछ लोगों से कहा कि हम सब लोग इस लायक हैं कि हम एक स्मार्टफोन तो दे ही सकते हैं, और मेरे बहुत से साथियों ने इस बात को माना। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप कृपा करके देखिए, क्या यह संभव है एक ऐसे बच्चे की जिसके घर में कोई ऐसा मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जिस पर वो पढ़ सके, देख सके, क्या आप उसका प्रबंध कर सकते हैं? करने के बाद देखिए आपको कितना आनंद आए, और अगर आपको आनंद आए तो अपने पड़ोसी से कहिए भाई तुम भी ऐसा करके देखो, किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, बड़ी बताने की आवश्यकता नहीं, आपको निश्चित रूप से ऐसे लोग मिलेंगे और इसमें किसी न किसी परिवार का, किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है। किसी से ग्रांट नहीं लेनी है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मेरी आप सबसे अपील है कि इस बात को अगर आपको अच्छा लगे तो करिए। कई जगह पर मुझे बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग प्रारंभ कर दिया है, मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो लोग पूरी कर रहे हैं, अपने जो सुनता है आगे बढ़ा देता है, आप भी बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने मेरी बातचीत सुनी, मैंने कोई बहुत वीरतापूर्ण लेक्चर की तैयारी की नहीं थी, न मैं देता हूं, मैं अनुभव के आधार पर, घटनाओं के आधार पर वो बातें आपसे करता हूं जो मुझे लगता है व्यवहारिक रूप में उपयोगी है और जो आगे चल करके हमारे बच्चों को सबको दे सकते हैं। एक बात जान लीजिए, आप भारत के भविष्य के निर्माता। गांधी जी की मां ने एक बार उन्हें कहा कि अगर तुम अपने जीवन में एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो या संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है, एक व्यक्ति। अध्यापक के नाते आप हजारों का जीवन संवार सकते हैं और कर रहे हैं। आपका वाक्य आपको याद नहीं रहेगा लेकिन उसको याद रहेगा, उससे जीवन संवर जाता है। आप भारत के निर्माता है, भारत के भविष्य के निर्माता है, इस बात को कभी मत भूलिए। ये अहंकार नहीं, ये आत्मविश्वास होना चाहिए, बिना इसके आप काम कर ही नहीं सकते, आप पूर्णता से काम नहीं कर पाएंगे। मैं यह बार बार कहता हूं, हाँ मैंने भारत के भविष्य के निर्माण में हिस्सा लिया, मैंने बहुत से विद्यार्थियों को अपनी बातों के द्वारा जो उस समय शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी थी उनके जीवन की राह बदल दी, मेरे जीवन की राह मेरे अध्यापकों ने बदल दी। एक घटना मैं बार बार सुनाता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह फिजिक्स पढ़ाते थे, दुनिया में लोग उन्हें रज्जू भैया के नाम से जानते हैं। मैं भाग्यवान हूं कि मेरा शोध प्रबंध फिजिक्स में, पीएचडी मैंने उन्हीं के अंडर में किया,
डीफिल, इलाहाबाद में डीफिल करते। एक बार मैं एक नई कमीज पहनकर खड़ा था, ये आखिरी बात है जो मैं कह रहा हूँ और ये सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं नई कमीज 28 रुपए की सफेद कमीज पहन के खड़ा था, वो सामने से आए, उन्होंने धीरे से ऐसे कहा, बहुत अच्छी है, नई है, घर में सबके लिए बनी, और चले गए। 1962 की बात आज आपको सुना रहा हूँ, हजारों विद्यार्थियों को मैंने सुनाई है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सुनाई है, और कहीं न कहीं इसमें जो मूल्यों की शिक्षा है, चरित्र निर्माण की शिक्षा है, व्यक्तित्व विकास की जो शिक्षा है, मैंने इस वाक्य से लेने का प्रयास किया है। ऐसे वाक्य आपने भी बोले होंगे, आपके विद्यार्थी हूँ, मुझे बहुतों ने इसको याद दिलाया जो आपने तब ये वाक्य कहा था। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, शिक्षा नीति में जो अच्छा है उसको लेकर लागू कर दीजिए और प्रारंभ कर दीजिए, और उस प्रारंभ का सबसे अधिक व्यवहारिक कारण जो पक्ष है वो मैंने आपको अपील के द्वारा कहा है कि एक व्यक्ति से शुरू करिए और देखिए, हो सकता है कि आपके आसपास बहुत से लोग निकल आए जो उन बच्चों की मदद कर दें जो मदद के हकदार हैं और जिन तक व्यवस्था देर में पहुंचेगी या शायद पहुंचेगी नहीं। आप सबने मेरी बात सुनी, इतनी देर बैठे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विश्वविद्यालय के प्रति अनुग्रहित हूँ और आपके कुलपति को, आपके बिहार अध्यक्ष को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए और समय देकर के भी, क्योंकि मैं हरदोई के स्कूल से पढ़ा हूँ, कन्नौज में पढ़ा हूँ और उस क्षेत्र से मैं परिचित हूँ, लेकिन हमें क्षेत्र से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर भी अपने विचारों को देखना करना है। बात करते रहे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत के भविष्य के निर्माण में आपका योगदान सराहनीय हो, आपको आत्मसंतुष्टि दे सके, इस कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने इस बात को रखा और सब में एक विश्वास जगाया है कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक नागरिक यहाँ पर देश का निर्माता है और हम सब देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको मुख्य वक्ता के रूप में सुनकर आज हम सभी अभिभूत हुए हैं, और मैं अब आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह सर। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आकर के अपना एक जो पैटर्न रिमार्क के रूप में सर अपना एक पक्ष रखें और हम सबको अनुग्रहित करें। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आज के इस रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स के जो का जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संभावनाएं, इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित और मैं कहूंगा मेरे अग्रज प्रोफेसर जी एस राजपूत जी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज देहरादून के डायरेक्टर हिमांशु दास जी, तथा इस वेबिनार के आयोजन में लगे हुए प्रोफेसर रंजन सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार सिरपुरकर और भी जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं तथा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हुए सारे प्रतिभागीगण। मैंने सर आपको अग्रज कहा है और प्रणाम भी कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री का जो है वो विद्यार्थी रहा हूँ, वही अध्यापक अब भी हूँ, और आप भी बगल के ही विभाग में थे तो आपसे तो मुलाकात मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने हरदोई का जिक्र किया तो हरदोई के प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी, और मुझे लगता है आप लगभग साथ रहे हो। हाँ, मेरे साथ रहे, मेरे दो साल बाद किया, लेकिन हमने रिसर्च साथ। हाँ, जी जी जी, तो उनसे प्रायः जो है वो बैठने पर आपके बारे में जिक्र होती रहती थी और बहुत अच्छा लगा आज जो है। और दूसरा आपने जो जिक्र किया इस तरह से भी कि चूंकि आप तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया जी के सीधे मुझे लगता है पहले विद्यार्थी और आप ही थे जो पीएचडी उनके साथ किया है उन्होंने, और मेरा भी सानिध्य उनके साथ चूंकि प्रयाग में रहा हूं तो काफी समय उनके साथ और उनकी उनके सानिध्य में बीता है, इसलिए मैं पुनः अग्रज के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आपने कई चीजें बताई और इस विश्वविद्यालय के लिए, जैसे उदाहरण आपने भोपाल का आशा निकेतन का दिया,
साथ ही महात्मा गांधी जी के कई जो है प्रकरण प्रसंग आपने जो है उसमें बताया, इसमें एक अंत्योदय का भी कंसेप्ट है। साथ ही जो है वो आपने जो है वो उनका जो एक घटना है यानी रंग भेद की नीति को लेकर के, माने उसके लिए एक तरह से लड़ना और उसको लागू कराना, माने एक तरह से इन चीजों का उदाहरण देकर के वो काफी चीजें समझाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो शिक्षा नीति होती है वो देश की और भविष्य की शिक्षा नीति होती है, और बदलाव के लिए हमारी शिक्षा नीति जैसी होगी वो हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उदाहरण स्वरूप होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो आपने जो और एक बात कही कि व्यक्तित्व विकास में ये सबसे ज्यादा सहायक है, और वैश्विक स्तर पर बदलाव ले आने वाला जो है वो जो हमारा कंसेप्ट है, यानी एक वैश्विक मानव के रूप में यानी ग्लोबल ह्यूमन बीइंग और विश्व कल्याण की जो एक परिकल्पना है उसको ध्यान रखते हुए जो है आपने इस चीज का जिक्र किया है, और आपने एक आत्मचिंतन की बात भी की है। वो आत्मचिंतन वो विशेष रूप से हम अध्यापकों के लिए है, बिल्कुल ठीक है कि हम आगे खुद क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आपने दिया है। और साथ ही जो है वो आपने शिक्षक निर्माण में जो 4-year BEd आपने आपके समय में ही मुझे लगता है उस पर विचार हुआ होगा, और चूंकि आप इस 2020 शिक्षा नीति से संबंधित रहे हैं, बाद में कस्तूरी रंगम जी के नेतृत्व में ये हुआ है, तो ये काफी चीजें हैं जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और अध्यापकों के यानी शिक्षक निर्माण में ये काफी सहायक हो सकती है। आपने एक और चीज बताया, बिल्कुल ठीक है कि आपका जो विश्वविद्यालय है या कहीं भी कोई विश्वविद्यालय है, हम किसी और की यानी एक नीडी जिसको आवश्यकता है उसको क्या दे सकते हैं, उसको उदाहरण स्वरूप जैसे आपने आप चूंकि ये बहुत ही आवश्यक है इस समय की जो जिस तरह की शिक्षा पद्धति, और आगे 20% शिक्षा नीति में है भी कि हमको जो है ऑनलाइन ही कोर्सेज जो है कराने होंगे, इसका एक प्रावधान है, तो आपने ठीक कहा कि ऐसे नीडी जो लोग हैं उनको हम वितरित करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे यहाँ तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, विशेषकर अभी दिव्यांगजनों के लिए ही है कि डेजी प्लेयर यानी एक स्मार्टफोन टाइप की जो इक्विपमेंट है वो प्रत्येक विद्यार्थी को जो है वो देते हैं, और अब की बार तो एडमिशन के टाइम भी हमने प्रोविजन किया है कि उनको पहले से ही हम किट के साथ उसको दे देंगे ऐसा प्रोविजन, और आगे भी इस तरह की चीजें करेंगे, तो केवल उन तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि आगे भी हम कई और लोगों को मैंने जो जिनको आवश्यक होगा वो जरूर देंगे। इस शिक्षा नीति में संभावनाओं में मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन एक आध चीजें जो मुझे समझ में आती है वो मैं रखना चाहता हूँ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो बात हुई है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ रिसर्च में जो GDP का लगभग 0.69% जो कि बहुत ही कम है और रिसर्च के लिए अलॉटेड है, लेकिन इधर इस शिक्षा नीति में हमने जो देखा कि 50,000 करोड़ के आसपास जो है वो निधि इस के लिए रखी गई है, और अभी मैं आज ही देख रहा था प्रधानमंत्री जी का ठीक चल रहा था मैसूर विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह, उसमें वो संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा, मैंने आह्वान किया वहां के शिक्षक लोगों को और जो है विशेष रूप से विज्ञान के लोगों का कि आप जो है वो नवाचार के प्रति यानी जो नए खोज हो सकती है, जो समाज के लिए जो है वो जरूरी हो सकते हैं, या जो हमको आत्मनिर्भर बनाने में जो सहायक हो सकते हैं, ऐसे नवाचार यानी आप शोध के लिए जो है वो उन्होंने प्रोत्साहित किया, मैं देख रहा था, बहुत अच्छा विचार है। और ऐसा है उन्होंने आगे भी पहले भी उन्होंने इस चीज पर विचार करते हुए, यानी पिछले साल मैं गया था जालंधर में साइंस कांग्रेस में, तो वहां भी उन्होंने जो अनुसंधान को जोड़ा था उसमें भी यही कहा था कि अनुसंधान हमें ऐसा करना चाहिए, जो एक तो गांधी जी का भी वही कहना था और दीनदयाल जी का भी वही कहना था कि यानी अंत्योदय की तरफ, यानी जो समाज की सीढ़ी का सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, इन शोध का उसको जब तक फायदा नहीं मिलेगा तब तक हमें लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ठीक नहीं है। तो ये आपने भी इस चीज को गांधी जी के उदाहरण के साथ जो बताया बहुत अच्छी बात है कि हमको अनुसंधान जो है वो करना चाहिए, लेकिन ये जरूर निश्चित करना चाहिए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो अंश है वो जरूर मिलना चाहिए, इस पर हमको विशेष रूप से विचार करना चाहिए।
तो दूसरी एक चीज और आपने जो कही कि पर्यावरण से संबंधित, तो पिछले साल ही वो 2 अक्टूबर को 150वीं गांधी जी की जो जयंती थी उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तो प्रदूषण को लेकर के और उन्होंने आह्वान किया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यानी उसकी तरफ जो है उन्होंने इशारा किया कि उसको करना चाहिए। और दूसरा जो आपने वृक्ष वाली बात करी यानी एक तरह से वो प्रदूषण से ही संबंधित है, इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो उस पर भी मुझे लगता है कि भाई वृक्षारोपण या ये चीजें, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का माने एक तरह से जो उत्सर्जन है, विशेष रूप से जब तक उसको हम वृक्षारोपण या नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उससे भी निजात हमको नहीं मिलेगी। तो क्योंकि इन चीजों पर, और दूसरा एक और जल संरक्षण की बात भी उन्होंने की थी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 अक्टूबर को ही, तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पर हम विज्ञान वालों को, या केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि हम सभी को इस पर विचार करना है। और जो एक तरह से प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और जो आपने भी कई चीजें उसमें विशेष रूप से इंगित की है, तो ऐसी तमाम संभावनाएं हैं। चूंकि आपने ढेर सारी चीजें करीब करीब कवर कर ली इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे शोध पर अभी चूंकि एक यहाँ का लखनऊ में ही काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे एक वाइस चांसलर्स की मीट में उन्होंने विज्ञान के प्रति क्या जो है वो हो सकता है यानी शिक्षा नीति में, तो वहां पर वो जो संभावनाएं आई थी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हमारा विश्वविद्यालय है 11 साल का है, शोध में उतना जो है आगे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आवश्यक भी है कि दिव्यांगजनों का एक तरह से विशेष यहाँ पर वो है, तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो जो दिव्यांगजनों के प्रति हो सकती है, ऐसी विशेष शोध की ओर हम लोगों का ध्यान गया है, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु तो इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे देश में उत्कृष्ट कोटि के जो संस्थान है जहां पर कि अच्छा शोध हो रहा है, तो मैंने ये एक तरह से सजेशन भी दिया था कि भाई ऐसे शोध संस्थानों को जो इस तरह के एक तरह से वीक स्थान है जहां पर शोध की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उनको एक तरह से जैसे होता नहीं कि गोद लेकर के या उनको अपने छोटे भाई की तरह अपने साथ अटैच करके उसमें मार्गदर्शन करने की, तो एक हमने उनको ये दिया था कि भाई आप इस चीज को ले आइए, और जिससे जो ऐसे विश्वविद्यालय है या ऐसे स्थान है जो शोध में बहुत ठीक नहीं है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो है वो चूंकि मेरा अनुभव है, मैं शोध अभी करता रहता हूँ, एक पब्लिकेशन के लिए पैसे बहुत, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में तो बहुत आते हैं, आप सिंगल क्रिस्टल वाली एनालिसिस या इस तरह की तमाम एनालिसिस में एक पेपर को पब्लिश करने में 10,000 से 12,000 रुपए का एक तरह से जो है खर्च आता है, बिना किसी आर्थिक सहयोग के ये चीजें हो नहीं सकती। तो ये भी मैंने सुझाव उनको चूंकि काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया था कि भाई आप देखिए ऐसे संस्थानों को थोड़ा लीनियंट होकर के कुछ सुविधाएं करिए, या ऐसी जगह जहां पर ये सारी सुविधाएं हैं देखिए जो है IITs हैं या जहां पर ये ढेर सारी सुविधाएं हैं, तो वो ऐसे लोगों को कुछ बहुत ही कम मूल्य पर या हो सके तो फ्री ऑफ कास्ट ये प्रोवाइड कराइए। तो ऐसी 1-2-3 चीजें हमने उनको बताई थी, तो शोध में अगर इस तरह की चीजें थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर मैंने थोड़ा सा बात किया, तो मैं पुनः अपने अग्रज के रूप में प्रोफेसर जे एस राजपूत जी को मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जो है वो आपने अपना अमूल्य समय यहाँ देकर के और हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और मैं कोशिश करूंगा कि कभी आपको मिलूं और इस विश्वविद्यालय में कभी मैं जरूर आपको चाहूंगा कि आपका कभी समय निकाल करके जो है वो बुलाने की करूंगा जो है। और मैं हिमांशु दास जी का तथा साथ में जितने भी यहाँ पर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं सभी को पुनः एक बार जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, पुनः पुनः धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके प्रेरक भाव हमेशा हमें इस तरह के आयोजनों के लिए प्रेरित करते हैं, और हमेशा आप हम सबको उत्साहित करते हैं कि किस प्रकार से सामूहिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन हो सके, और संस्थानों दो संस्थान जब जुड़ती हैं तो कार्यक्रमों की जो प्रभाविकता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुनील कुमार सिरपुरकर सर को, जो
सहायक प्राध्यापक के रूप में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में कार्यरत है। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सिरपुर सर। सुनील सिरपुरकर सर, सर सुन पा रहे हैं? सिरपुरकर सर मेरी आवाज आ रही है पंकज सर? हाँ सर अब आ रही है, अब आ रही है। धन्यवाद डॉक्टर पंकज सर। जैसा आप सबको विदित है कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये दोनों मिलकर के वेबिनार की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में और एजुकेशन के विभिन्न आयाम के संदर्भ में लगातार हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमसे जुड़े पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर जे एस राजपूत सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बारे में हमको समझाया। निश्चित रूप से पॉलिसी तो बनती है, लेकिन पॉलिसी में हमें इस बात की आवश्यकता है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस प्रकार से उसका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको इसको समझने की जरूरत है। सर आपने हमें अपना अमूल्य सहयोग दिया, अमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी के रूप में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा वाइस चांसलर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रामकृष्ण पाल सिंह जी। सर आपके साथ हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, कर रहे हैं और आने वाले समय भी लगातार प्रोग्राम करते रहेंगे। आपसे ऐसा ही सहयोग हमको मिलता रहेगा ये उम्मीद करता हूं। और लगातार हम लोग रिहैबिलिटेशन के संदर्भ में, डिसेबिलिटी के रिहैबिलिटेशन के संदर्भ में हम लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर का। सर दो दो राष्ट्रीय संस्थानों का कार्यभार सर के हाथों में है। लगातार आज दिन भर से सुबह से कम 4 वेबिनार्स में सर जुड़े हुए हैं। अभी आज सिमिलरली हमारा सीबीएसई के साथ में भी वेबिनार चल रहा है सर, उसमें भी जुड़े हुए हैं। सर बिजी शेड्यूल में से समय सर ने हमारे लिए निकाला, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जरूर ज्ञापन करना चाहूंगा प्रोफेसर जनी रंजन सिंह साहब का। सर का मार्गदर्शन सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करने में। रजनी सर की टीम पूरी लगी हुई है, उनसे सहयोग उनसे मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के रूप में कड़ी के रूप में मैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इस प्रोग्राम के आदर्य शक्ति राय जी, ब्रिजेश राय साहब, डॉक्टर पंकज, मैं तीनों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस पूरे प्रोग्राम को आपने अच्छे तरीके से शेड्यूल किया, अच्छे तरीके से पूरा इसको कंप्लीट किया। और आने वाले समय भी ये पूरी सीरीज है उसमें लगातार आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के अथक मेहनत से ही ये प्रोग्राम आज सफल हो पाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में जितने भी प्रतिभागी हमसे आज जुड़े हुए हैं, जितने प्रोफेशनल हमसे जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके बिना तो कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के संदर्भ में हमें फीडबैक अवश्य दे, हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आगे आने वाले दिनों में जो सीरीज हमारे आगे बढ़ने वाली है उसमें आप क्या सुनना चाहते हैं, किस प्रकार से हम नए नए विषयों को इसके ऊपर लें और उस पर चर्चा हम लोग करें। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आईटी टीम का भी कि जिनके सहयोग के बिना शायद ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। अंत में मैं सबका एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज सर। हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप जुड़े रहे, सभी लोग को प्रणाम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम लाइव भी था यूट्यूब पे, बहुत लोग उससे जुड़े हुए थे, उन सभी लाइव पे जुड़े हुए लोग को मैं जब वहां जाके तो धन्यवाद बस हम लोग टेक्स्ट कर देंगे, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद जो हमसे जुड़े। और इस कार्यक्रम को बाद में हम लोग चैनल पे सेव भी कर रहे हैं, डायरेक्टर सर ने जैसा कहा कि इसको शेयर भी करेंगे सभी जगह। फिर से एक बार धन्यवाद सभी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू।